हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो लेके हम लोग आ गए हैं। दूसरी वीडियो बैटरी स्पेयर के ऊपर ही है। बैटरी स्पेयर के बहुत छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं, जिस प्रॉब्लम के लिए आप लोग परेशान हो जाते हैं। जो भी कस्टमर रहता है वो बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग के साथ लगे रहे। आज जितना भी छोटा प्रॉब्लम है, जैसे चार्जिंग प्रॉब्लम, चार्जिंग में प्रॉब्लम होता है, चार्ज नहीं होता है, मोटर पंप स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऐसा छोटा मोटा प्रॉब्लम आज इस वीडियो में दिखाएंगे। हमारे पास सर है, तो सर आप लोगों के फुल डिटेल्स में बताएंगे कैसे छोटे मोटे प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे अपने घर पे अपने खुद। चलिए वीडियो शुरू से शेष तक स्किप नहीं करके देखते रहे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हम पहला इसका नीचे का बटन जल्दी खोल लिया। देखिए यहाँ पे मोटर पंप से आउटलेट कनेक्टेड है, यहाँ से पानी आता है इनलेट। कभी कभी क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा लीकेज हो जाता है तो पानी गिरते रहता है। हम लोग क्या सोचते हैं, इधर बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया, कस्टमर के जहाँ से खरीदा उधर दौड़ते हैं। लेकिन मेरा कहना है दोस्तों, पहला ये कवर खोल के देख लीजिए, छोटा मोटा शायद ये लूज़ भी हो सकता है, इधर टाइट रहता है क्लैंप से, तो ये टाइट कर देगा तो आपका काम हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम ये हो सकता है, आपका ये बटन कभी भी काम नहीं कर सकता है तो मोटर नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या है, दुकान में जाएंगे 200 250 300 रुपया ले लेता है। मेरा कहना है एक बटन खरीदिए 50 60 रुपया का। ये बटन का दो वायर है, लेके आइए। एक वायर ब्लैक वायर देखिए, आपका जैसा जैसा स्प्रेयर में जुड़ा है वैसा खोल के उधर जोड़ दीजिए। फिर रेड वायर जहाँ पे जोड़ा है वो जोड़ दीजिए, तो आपका काम 50 से 60 रुपया में हो जाएगा। तो नहीं है, इसको दुकानदार के पास ही रिपेयरिंग करना है, आप खुद ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, छोटा सा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम है, अभी देखिए, अभी स्प्रे करते करते अंदर कुछ कचड़ा आ गया है फिल्टर में, तो आपका ये फिल्टर जाम हो गया, तो आगे का फ्लो स्प्रेयर स्प्रे नहीं होगा। तब आप सोचेंगे, अरे क्या हो गया हमारा मशीन में, कुछ नहीं करना है, ये खोलना है, अंदर इसको साफ करना है, फिर ये फिट करना है, ये लगा दिया, आपका काम ओके हो जाएगा। ये किसी को पूछने का भी ज़रूरी नहीं रहेगा, आपको ये वीडियो से ही इसका हेल्प मिल जाएगा। अभी फोर्थ प्रॉब्लम हम दिखाएंगे। और एक प्रॉब्लम है, जो ये नोजल भी जाम होता है, ये जगह पे कचड़ा निकल जम जाता है, तो ये भी आपको साफ करना पड़ता है। ये देखिए छोटा 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 होल है, ये सब बंद हो जाता है, तब आपका स्प्रे काम नहीं करता है, तब बंद इसको साफ करना पड़ता है। ये हो गया चौथा प्रॉब्लम है। अभी नंबर 5 प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है चार्जिंग का, वो हम दिखाएंगे। दोस्तों अभी चार्जिंग का देखिए, हम इलेक्ट्रिक लाइन में कनेक्ट किया, अभी कनेक्ट किया तो अभी ये बंद था बराबर, अभी इसको ऑन किया तो हमारा ग्रीन इंडिकेट आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक यहाँ तक आ गया। अभी चार्जर आगे पावर बैटरी स्पेयर को देगा। अभी इसको हम कनेक्ट किया, जैसा कनेक्ट किया इधर ये इंडिकेट रेड हो गया, इसका मतलब अभी बैटरी को चार्ज कर रहा है। ये प्रोसेस कंप्लीट, यहाँ से स्टार्टिंग में ग्रीन, बाद में बैटरी स्पेयर को देने तक रेड नहीं आया, इसका मतलब ये वर्क नहीं कर रहा है। अभी देखिए उसका मैं दिखाता हूँ ओरिजिन, अभी यहाँ का मैं थोड़ा लूज किया, अभी इधर लगा दिया। अभी देखिए हम क्या सोचेंगे, चार्जिंग फुल हो गया, थोड़ी देर में ऐसा रेड था, हिलते हिलते खुल गया, तो हम क्या सोचेंगे चार्जिंग फुल हो गया, अल्टीमेटली ये चार्जिंग हुआ ही नहीं। अभी इसको ठीक से लगाने का, इधर कनेक्ट ठीक से करने का, तब ये 6 से 7 घंटा में इसको फुल चार्ज करता है। एक प्रॉब्लम रहता है, अब किसी किसी का चार्जर ये देखने का ऐसा ब्लिंक होता, ऐसा ब्लिंक होते रहता है,
वो ब्लिंक जब होता है डरने का नहीं, जो अपना चार्जर खराब हो गया। इसका मतलब ये रहता है बैटरी जब ज़्यादा ड्राई हो जाता है तब डायरेक्ट ज़्यादा करंट खींचता है चार्जर को, तो चार्जर एक साथ एक सेटिंग रहता है, वो पूरा चार्जर बैटरी को ज़्यादा करंट नहीं देता है, एक लिमिट में देता है, थोड़ा देता है फिर रोकता है, थोड़ा देता है फिर रोकता है। जब दोनों का बैलेंसिंग हो जाता है बाद में स्टेबल होके इसको चार्जिंग करता है। उसके लिए कुछ डरने का नहीं, देखने का ब्लिंक कर रहा है आधा एक घंटा डेढ़ घंटा में फिर स्टेबल हो जाता है, होके वो चार्जिंग करता है। ये था 5 प्रॉब्लम एवं 5 सॉल्यूशन, आप लोगों को मालूम पड़ गया। सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल सॉल्यूशन है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग हम लोगों के साथ लगे रहे, ऐसे ही छोटा मोटा प्रॉब्लम लेके नया वीडियो लेके आप लोगों के पास आ जाएंगे। अगर आप लोग हमारा चैनल में नया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है इतना देर से हम लोगों का वीडियो देखने के लिए।